हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीटीपी और डीओ पैकेज क्या होता है और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एचटीटीपी और डीओ पैकेज को हम कैसे यूज करते हैं, पर उससे पहले चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसे वहां चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ आके कोड करेंगे। तो चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें, अगर मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन है और आप नेट से कोई डेटा अपने एप्लीकेशन में शो कराना चाहते हो, तो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं एचटीटीपी और डीओ पैकेज। अब इसका फ्लो क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट प्लेस करते हो और फिर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आपकी वैलिडेट होती है। आप जो भी हेडर्स भेजते हो, अपना की भेजते हो, टोकन भेजते हो, ये सब बात की बात है। आप सिंपली ये मान लीजिए, आप सिंपल यहाँ पे एक रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट चेक होती है और यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद जब आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, सिंपली आप अपने यूआई में उसे रेंडर करा देते हो। ओके, तो ये है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप हेडर्स कैसे यूज करोगे, पेलोड कैसे पास करोगे, उसमें टोकन्स कैसे पास करोगे। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट होती है। आपको डेटा अगर चाहिए तो आप गेट रिक्वेस्ट करते हो, अगर आपको डेटा प्लेस करना है तो आप पोस्ट करते हो, डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट मारते हो, अपडेट करना है तो अपडेट करते हो, पैच करना है पैच करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ये चीजें होती हैं, आप इनको कुछ भी कवर नहीं करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सिर्फ हम यहाँ पे जो गेट मेथड होता है उसको ही चेकआउट करने वाले हैं। हमारा मेन एम है कि इन पैकेजेस को कैसे यूज करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में हम ये सारे पार्ट चेकआउट करेंगे। ओके, तो अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें, आपको क्या करना है, नेट से अगर कोई भी डेटा लेके आना है तो सिंपली आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस करनी है, यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इन पैकेजेस को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो आपको पॉपगेट करना है, देन इसके बाद आपको वो यूआरएल पास ऑन करना होता है जहां पे आपका डेटा प्लेस्ड होता है। मान लीजिए ये हमारा सर्वर था और यहाँ पे डेटा प्लेस्ड है, तो आप सिंपली इस सर्वर का यूआरएल पास ऑन करोगे जहां पे आपको हिट करना है। अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, तो मान लीजिए आप जैसे ही यूट्यूब बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो एक एपीआई हिट करता है जो वहां से डेटा फेच करता है और आपके मोबाइल में वापस लोड कर देता है। तो वो सिंपल यही प्रोसेस होते हैं, एचटीटीपी या डीओ के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट हमारी जाती है और हमें वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, तो अब चलते हैं स्लाइड टू में और देखते हैं हम आज क्या फंक्शनलिटी अचीव करने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइड टू में। देखिए, हम बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन बनाएंगे जिसमें बॉडी में हम, अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होगा तो आपको सेंटर में शो होगा लोड डेटा, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे डेटा शो अप होगा। अब डेटा शो कैसे होगा, देखिए नीचे हमने बनाई है अपनी एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन ट्रिगर करना होगा जो क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, वहां से जो भी डेटा आएगा हम एक लिस्ट में वो डेटा स्टोर कराएंगे और उसके बाद इस लिस्ट को यहाँ बॉडी में हम शो अप करा देंगे। ओके, तो इन पैकेज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप इन्हें पॉपगेट करोगे, उसके बाद आपके पास एक यूआरएल होना चाहिए। अब यूआरएल के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी डेटा लेंगे जो एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर, ये आपको डमी डेटा प्रोवाइड करती है, ये मैं अभी आपको शो अप कर दूंगा। वो आपको वहां से एक यूआरएल देगी, वही यूआरएल आपको यूज करना होगा उस डेटा को फेच करने के लिए इंटरनेट से। ओके, देन उसके बाद सिंपली हम उस डेटा को अपने यूआई में रेंडर करा देंगे। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसके कोडिंग पार्ट को चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब समझते हैं हम इन पैकेजेस को कैसे यूज करेंगे, लेकिन इनको यूज करने से पहले आपको विजिट करना है पॉप डॉट डेव पे और वहां से दोनों पैकेज आपको पॉपगेट करना है। सबसे पहला पैकेज है हमारा डीओ, इसको सिंपली आपको कॉपी करना है और पॉपसेट डॉट डेव में जाके पेस्ट करना है, और दूसरा पैकेज है हमारा यहाँ पे एचटीटीपी पैकेज, इसको भी आपको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और पॉप डॉट डेव में पेस्ट करना है। तो वापस चलते हैं और चलते हैं अपनी पॉपसेट डॉट डेव के अंदर और यहाँ पे लाके आपको ये दोनों पैकेज पेस्ट करने हैं, देन आपकी फाइल को सेव करना है, ये पैकेज दोनों आपके पॉपगेट हो जाएंगे। ओके, तो अब इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना यूआरएल डिफाइन करना है जहां से आप डेटा लेना चाहते हो। तो वापस से चलते हैं अपने ब्राउजर पे। देखिए, ये है वो वेबसाइट जहां से आप डमी डेटा फेच कर सकते हो यूआरएल को हिट करते हुए। सिंपली आपको जाना है जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड डॉट कॉम, तो इसको नीचे स्लाइड करते हैं और वो आपको इस टाइप का डेटा प्रोवाइड करता है। देखिए, यहाँ पे आपको पोस्ट दे रहा है, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज और यूजर्स। हम यहाँ पे टू डूज को यूज करेंगे, तो सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और ये रहा आपका यूआरएल। ओके, और अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक डेटा चाहिए तो सिंपली आपको लिखना है /1, इंटर करोगे तो ये आपको पहला डेटा यहाँ पे शो अप करेगा। ओके, इसमें यहाँ पे हमारे पास चार फील्ड्स हैं, पहला यूजर आईडी, दूसरी आईडी, तीसरा टाइटल और चौथा कंप्लीटेड। हम क्या करेंगे, हम पूरा डेटा फेच करेंगे, तो यहाँ से सिंपली आपको ये रिमूव करना है, एंटर करना है और इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है और सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो चलते हैं वापस वीएस कोड पे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया यूआरएल नाम से और उसमें ये प्लेस ऑन कर दिया जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद हमने बनाई अपनी एक लिस्ट ऑल फोटोज नाम से जो स्टार्टिंग में एम्प्टी है। देन उसके बाद बनाया हमने अपने गेट डेटा फंक्शन जो अगर हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ट्रिगर होगा। और हमारा सीक्वेंस क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एचटीटीपी की हेल्प से हम डेटा कैसे गेट करते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि डीओ की हेल्प से हम डेटा कैसे गेट करते हैं।
ओके देन उसके बाद मैं आपको बॉडी विजिट दिखाता हूँ। देखिए बॉडी विजिट में हमने क्या चेक किया, अगर हमारी जो लिस्ट थी अगर वो एम्प्टी है तो सेंटर में आपको सिंपली एक टेक्स्ट शो कराना है लोड डेटा जो आपको अभी शो अप हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमने यूज किया सिंपली लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसके अंदर हमने जो भी हमारी लिस्ट थी ऑल फोटोज इस पे इटरेट किया और यहाँ पे दो चीजें शो कराई है, पहली तो आईडी और दूसरी हमारी टाइटल। ओके देन लास्ट में हमने बनाई है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसका जो हमारा ऑन प्रेस्ट मेथड होता है इसमें हमने कॉल किया अपना गेट डेटा फंक्शन जो टॉप पे हमने कोड किया है ये वाला। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कोड को करते हैं अनकमेंट जो हमारा एचटीटीपी का कोड था। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ देन उसके बाद इस फाइल को सेव करेंगे और इस बटन को हिट करेंगे। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ये जो हमारे पैकेजेस थे इनको इम्पोर्ट कराया। उसके बाद HTTP पैकेज यूज करने के लिए सिंपली आप लास्ट में एलियास सेट कर सकते हो एज HTTP। ओके और ये हमने DO भी इम्पोर्ट कराया और एक कन्वर्ट भी इम्पोर्ट कराया। ये मैं आपको नीचे समझाता हूँ कि हमने ये इम्पोर्ट क्यों कराया। देखिए तो यहाँ पे जो हमने पहली लाइन यूज करी है ये लाइन हमें हेल्प करेगी रिक्वेस्ट प्लेस करने में और वहां से रिस्पॉन्स वापिस लेने में। ओके और यहाँ पे आप यूज कर लेना सिंक और अवेट कीवर्ड क्योंकि यहाँ पे इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है HTTP और जिस भी टाइप की आप रिक्वेस्ट प्लेस करना चाहते हो, इस बार हमें सिर्फ डेटा चाहिए तो हम यूज करेंगे गेट। देन उसके बाद आपको यूज करना है URI.parse और इसके अंदर वो वेरिएबल पास ऑन करना है जिसके अंदर आपने अपना URL को स्टोर कराया था। ओके और यहाँ से हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस REST2 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये आपको एज ए स्ट्रिंग पूरा डेटा रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर आपको इस डेटा को यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसे डिकोड करना होगा जेसन फॉर्मेट में, तो आप यूज करोगे जेसन डॉट डिकोड और इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको इम्पोर्ट कराना है डार्ट कन्वर्ट। ओके देन उसके बाद आपको पास करना है REST2, फिर आपको यूज करना है डॉट बॉडी, मतलब जो भी बॉडी के अंदर है सिर्फ हमें उसको ही यूज करना है, तो उसको हमने स्टोर करा है इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। देन उसके बाद आप यूज करोगे फॉर लूप ताकि आप हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट कर पाओ, तो आपको यूज करना है वेयर आइटम इन डेटा। देन उसके बाद यूज करना है ऑल फोटोज डॉट एड, और डॉट एड क्या करेगा, देखिए एक एक आइटम को आपकी लिस्ट में एड करता जाएगा। देन लास्ट में आप यूज करोगे सेट स्टेट ताकि जो भी हमारी यहाँ पे बॉडी है वो आपकी रिफ्रेश हो और अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा है तो वो आपको शो अप हो जाए। अब इस फाइल को करते हैं सेव और हम करेंगे अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे आपको डेटा शो अप होगा और नीचे आपको कंसोल में डेटा भी शो होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। ओके तो अब इस बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, ये हमने क्लिक किया और ये हमें डेटा यहाँ पे शो अप हो गया जो आपको यहाँ कंसोल में भी शो अप हो रहा है। ये बहुत लंबी लिस्ट है और ये डेटा हमें कैसे शो हो रहा है, देखिए हम चलते हैं अपनी वापस से बॉडी विजिट के अंदर, यहाँ पे हमने यूज किया लिस्ट और यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था एक लिस्ट स्टाइल विजिट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो भी हमारी लिस्ट थी ऑल फोटोज उसके इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट डेटा होगा उसका आपको आईडी और टाइटल आपको यहाँ पे शो अप कराना। देन उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी और हर एक आइटम पे इटरेट करता चला जाएगा। ओके तो ये तो था जब हम HTTP की हेल्प से डेटा गेट करना चाहते हैं। अगर आपको सेम काम DO की हेल्प से करना है तो थोड़ा काम आपको कम करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको डिफरेंस शो अप कराता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए URI.parse भी यूज करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको JSON डिकोड भी यूज करना पड़ेगा, देन आप इटरेट करोगे। आप क्या करते हैं इस HTTP वाले कोड को हम करते हैं कमेंटेड आउट और इसको करते हैं अनकमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यूज करना है DO और उसके बाद डॉट गेट और यहाँ पे सिंपली आपको URL पास करना है, कुछ भी आपको यहाँ पे URI.parse करके नहीं लिखना है। और उसके बाद जब आपका डेटा आपको रिस्पॉन्स की हेल्प से वापस मिलता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी JSON डिकोड भी यूज करना नहीं होता है, सिंपली आपको यूज करना है REST1.data हर एक आइटम पे इटरेट करने के लिए। और आपको एक बात ध्यान देनी है, देखिए जब आप HTTP यूज करोगे तो आपको बॉडी के अंदर से डेटा गेट करना है और यहाँ पे जब आप DO यूज करोगे तो यहाँ पे डॉट डेटा लगा के आपको आइटम के अंदर इटरेट करना है। देन उसके बाद हम सेम काम कर रहे हैं, फॉर लूप लगाया, उसके बाद जो हमारा ऑल फोटोज नाम की लिस्ट थी इसके अंदर अपना डेटा स्टोर करा दिया। तो अब इस फाइल को सेव करते हैं और दोबारा से अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस बार डेटा आएगा हमारा DO पैकेज से। तो इस फाइल को करते हैं सेव और इसको कर लेते हैं अपन रीस्टार्ट ताकि यहाँ पे आपको दोबारा से लोड डेटा बीच में शो अप हो जाए। इसको करते हैं अपन रीस्टार्ट, ये हो रहा है रीस्टार्ट। और अगर अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा लोड होगा इस DO पैकेज की हेल्प से, तो इस बटन पे करते हैं अपन क्लिक, तो ये हो गया हमारा डेटा लोड। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि HTTP और DO क्यों यूज करते हैं, देखिए अगर आपको कोई भी डेटा इंटरनेट से लेके आना है तो सिंपली आपको इस URL को हिट करना होता है। आप इसे HTTP पैकेज से भी कर सकते हैं और DO से भी। HTTP में आपको पहले URI.parse और उसके बाद डिकोड भी करना होता है, पर DO पैकेज में ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी फ्रेंड्स।